हेलो वेलकम एवरीवन एंड अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू स्वागत है आप सबका गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों मेरा नाम है वसु कटारा योर वेरी ओन वीके सर स्टूडेंट्स आई विल लाइक टू वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ ग्रेडअप आप सबका मैं स्वागत करता हूं ग्रेडअप के इस प्लेटफॉर्म पर हैप्पी रिपब्लिक डे तारक हैप्पी 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 रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू आप सबको मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस 72वें भारत के गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों आज इस क्लास या इस सेशन के अंदर हम क्या देखने जा रहे हैं आज की रिपब्लिक डे परेड के अंदर भारत के अलग-अलग राज्यों की झांकियों के बारे में हम देखने जा रहे हैं इसके साथ-साथ बच्चों हम यह देखने जा रहे हैं कि भारत का 72वां गणतंत्र दिवस कोरोना की वजह से क्योंकि साल इस वर्ष आपको कोई भी मुख्य अतिथि देर वॉज नो चीफ गेस्ट दिस ईयर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था इस वर्ष देर वॉज नो चीफ गेस्ट दिस ईयर दिस वॉज अ वेरी यूनिक अकरेंस अ वेरी रेयर सिचुएशन विच लॉट ईयर मीन क्वाइट सम टाइम बैक एंड नाउ इट हैज हैजपन अगेन बिकॉज ऑफ कोविड कोविड की वजह से पैंडेमिक या महामारी की वजह से आपको देखने मिला इस वर्ष हमारा कोई चीफ गेस्ट नहीं रहा मुख्य अतिथि नहीं रहे रिपब्लिक डे के अंतर्गत तो रिपब्लिक डे के हाईलाइट के बारे में जानेंगे और देखेंगे कैसे आपके एग्जाम्स के लिए रिपब्लिक डे की अलग अलग इंफॉर्मेशन आपके लिए सार्थक रहेगी हेल्पफुल रहेगी तो दोस्तों मेरा नाम है वसु कटारा मैं आप सबका स्वागत करता हूँ ग्रेडअप के इस प्लेटफॉर्म पे आप मुझे वसु या वसु सर या वी के सर कुछ भी कह सकते हैं और इस सेशन को मैं आपके लिए बहुत ज्यादा इंजॉयल इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग बनाऊंगा ये मेरी गारंटी है चलिए ज्यादा समय ना लगाते हुए शुरू करते हैं जो बच्चे हमारे साथ अभी जुड़े हैं स्वागत है आप सबका और हम देखने जा रहे हैं भारत के सबहत्तरवें रिपब्लिक डे के गणतंत्र दिवस के हाईलाइट्स और इंडिया के रिपब्लिक डे परेड के बारे में कुछ चीजें वी आर गोइंग टू सी फ्यू हाईलाइट ऑफ द रिपब्लिक डे परेड विच हैपन टूडे बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू द ग्रेडअप हैज़ ब्रॉड फॉर यू ग्रेड अप आप सब के लिए दोस्तों हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं आप सब के लिए या हमारे हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे साथ कई सारे सेशंस में जुड़ते हैं आप सब के लिए हम लेकर आए हैं दोस्तों रिपब्लिक डे सेल फॉर यू ऑल वी हैव ब्रॉड दिस रिपब्लिक डे सेल्ड इन दिन द सेलिब्रेशन ऑफ रिपब्लिक डे वेयर यू विल गेट फैट फोर्टी परसेंट ऑफ

बहुत इनएक्सपेंसिव कोर्स आपको प्रोवाइड करते हैं वी हैव ब्रॉट अ वेरी इनएक्सपेंसिव कोर्स फॉर यू ऑल नाउ समबडी इज आस्किंग मी सर हाउ इज दिस सेशन गोइंग टू बी यूजफुल फॉर अस ये लेक्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होगा देखो बेसिकली आपको देखने मिलेगा रिपब्लिक डे से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं आते पर हां झांकियों के बारे में द वेरियस टैबलूजेंटेड विच आर रिप्रेजेंटेड आर शोन क्वेश्चन टाइम टूडे आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दी रिपब्लिक डे हाउ यू कैन यूज इट इन योर प्रम्स एग्जाम मेन एग्जाम एंड इंटरव्यू कैसे आप अपने प्रारंभिक परीक्षा के अंदर मुख्य परीक्षा के अंदर और साक्षात्कार के अंदर इन पंक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं यह दिखाने के लिए कि आपको अच्छी जागरूकता है आपके देश के बारे में एक बात सुनिए आप इस देश का एक एग्जाम लिखने जा रहे हैं चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो यूपी पीसीएस बिहार पीसीएस कोई भी स्टेट एग्जाम हो अगर क्या आपको देश के गणतंत्र दिवस में क्या हुआ यह पता नहीं होना चाहिए भविष्य में आई या पीसीएस ऑफिसर होकर आपको क्या यह नहीं पता होना चाहिए शुड यू नो अबाउट दिस दैट व्हाट हैपन इन द रिपब्लिक डे परेड सो दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड बाय यू ऑल दैट इज व्हाई वी हैव ब्रॉट दिस ट्रेंडिंग टॉपिक फॉर यू सो दैट यू कैन गेन मच इन मेनी इन साइट इन दिस एरिया ओके So you can take benefit of the grade ups subscription and you can definitely definitely in future we will bring you many more free sessions and our course is also there. Course is also there to help you in the preparation for UPSC and state exams. So guys, this year what happened? That 72nd Republic Day was celebrated today. फर्स्ट सचुकेशन दैट रिपब्लिक डे हेड नो चीफ गेस्ट दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है बहत्तरवे गणतंत्र दिवस पर आपको देखने मिलेगा सेवेंटी सेकेंड रिपब्लिक डे पर नो चीफ गेस्ट वॉज दर इन इंडिया सेवेंटी फर्स्ट रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट इन इंडिया अगर हम पिछले वर्ष का ही देखें इफ यू गो एन सी द लास्ट ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटीज टू थाउजेंड ट्वेंटीज चीफ गेस्ट बिकॉज सी टू थाउजेंड ट्वेंटी रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट

ब्राजील नाम के देश के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जायर बोलसनारो जे बोलसनारो और इंडिया के साथ भी कुछ ऐसी ही इंडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही डेवलपमेंट हुआ

He was called but due to unfortunately due to covid and uh, the new strain of covid he could not come and britain is under a lockdown as of now that is why this year there was no chief guest earlier he was called but now he was also he did not also come because of the pending situation in britain okay yes okay next thing ये एक प्रॉब्लम हुई हमने इस बार किसी चीफ गेस्ट को नहीं इनवाइट किया दिस वाज अ हाईलाइट सी इफ आई गो बैक इन टू दिस्ट्री ट्वेंटी डायरेक्शन शुड रन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिस केम इंटू फोर्स दिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इंटू फोर्स इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक India became a sovereign country which is governed by rules and regulations which were provided in constitution. छब्बीस जनवरी 1950 के अंदर आपको देखने मिलेगा भारत एक संप्रभुत्व देश बन गया गणतंत्र बन गया भारत का संविधान लागू हुआ था अच्छा आपको एक बात पता होगी नहीं पता तो जानते सुनिएगा 26 नवंबर उन्नीस को ही संविधान बन के तैयार हो गया था इसी दिन आप लॉ डे मनाते हैं कानून दिवस मनाते हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही कंप्लीटेड दर्क ऑफ मेकिंग टू ईयर्स इलेवन 18, 19 डेज Uh, this was the time period within which the constitution was complete right constitution completion time and when constitution of india got completed when constitution of india got completed right two years 11 months and 18 days later ट ऑन ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन फिफ्टी वी विल सेलिब्रेट आर रिपब्लिक डे हमने यह निश्चित किया कि 25 जनवरी को ही हम दो महीने बाद नवंबर से दो महीने बाद ही गणतंत्र दिवस मनाएंगे क्योंकि 26 जनवरी की तारीख बहुत महत्वपूर्ण थी पहली बार फर्स्ट टाइम इट हैपन दैट रिपब्लिक डे वॉज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड दिस डे वॉज स्पेशल बिकॉज इन नाइनटीन थर्टी ये दिन काफ़ी खास था क्योंकि उन्नीस सौ तीस के अंदर पूर्ण स्वराज डेक्लेन लाई गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा और कांग्रेस जी के द्वारा कांग्रेस के द्वारा जवाहरलाल नेहरू जी द पर्सन हु द राइजिंग लीडर ऑफ कांग्रेस इन लाहौर इन द लाहौर सिटी ऑफ इंडिया इन लाहौर द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज ऑन द रावी रिवर

कि हमने जाकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडोप्ट किया अच्छा मेरे से बच्चा पूछ रहा है सर 26 26 नवंबर नवंबर 1949 की वजह से हम 26 को लॉ डे डे कहते है कहते हैं हैं या कॉन्स्टिट्यूशन बेटा दोनों ही कहते हैं वी कॉल इट लॉ डे एज वेल वी कॉल इट कॉन्स्टिट्यूशन डे एज वेल ओके ठीक है गुड क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन दिस शोज दैट यू ऑल आर वेरी अटेंटिव इन द सेशन एब्सोल्यूटली सो 26 जनवरी वी वेटेड एंड द यू नो द टेस्ट ऑफ फ्रूट When you wait, the taste of something when you wait is sweet. So basically, this also came to us as a great opportunity to develop India further. Our country survived many situations. Uh, currently, also our country is facing certain situations. But yes, this is the beauty of this country that in uh, any situation we survive, we remain very solid and very we remain always working with each other in unity this is the symbol this is the greatness of this land so 1930 that is why uh, 1950 26 january became sacrosanct and puna swaraj Deva devas which was celebrated for the first time this was basically that is why this date 26 january 1950 was important for us particularly and you know republic day was celebrated so yes let's come to the main point republic day it signifies the spirit of independence and individual india's existence that india is a unity based country is it is a country where diversity also exists but unity also exists simultaneously both go hand in hand and both work in tandem guys नॉर्मली रिपब्लिक डे पे क्या होता है आपको एकता का प्रतीक दिया जाता है देश के मिलिट्री इक्विपमेंट दिखाए जाते हैं टैंक्स मिसाइल्स आपको अलग अलग रॉकेट्स uh, देखने मिलते हैं मिसाइल्स देखने मिलती है जो तो डेवलप करी गई है इंडियन गवर्नमेंट और उसकी ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ लाइक दैट मैनी ऑर्गेनाइजेशन विच हैव इट ओके अपार्ट फ्रॉम दिस सी दिस इवेंट शोज दैट हाउ पीपल हु हैव लॉस देयर लाइफ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री जो लोग अपना जान निछावर कर दी देश के कल्याण के लिए उनको सेलिब्रेट किया जाता है एक तरीके से उन्हें 21 तो, 21 गोलियों की सलामी दी जाती है अशोक चक्र एंड वीर चक्री सोल्जर्स ब्रेवरी अवार्ड इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर देयर सर्विस टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज Right, so it's a very big event in itself. This year, the National War Memorial for the first time, Pradhan Mantri, Prime Minister Narendra Modi, pehli bar, he paid respect to the National War Memorial, right? National War Memorial, which is in Delhi, a very beautiful. मेमोरियल बिल्ट इन डेली टू ऑनर दीपल फॉर द कंट्री जिन्होंने अपने को शहीद कर दिया देश के कल्याण के लिए इसलिए दोस्तों आपको देखने मिलेगा 2019 के अंदर 2019 के अंदर इसका काम कंप्लीट हुआ था नेशनल वॉर मेमोरियल इट इज नेक्स्ट टू दर वेरी फेमस योर वेरी फेमस इंडिया गेट इट इज नेक्स्ट टू द इंडिया गेट वेरी फेमस प्लेस सो That is what is that is uh, something which was basically celebrated this year, that the people who have laid their life, the people, the warriors of India, not just army men, but all uh, people who are in all walk of life, they are celebrated. National War Memorial celebrate the fallen one, the fallen heroes of the of country which have uh, created an integrated country, integrated India. Still, we function as an integrated entity. So basically, this was celebrated this year. Apart from this, state tabloos. Alag -alag, alag -alag hai, right? India displayed its military might. We displayed our military might. Rafale fighter jets also took part in the Republic Day celebration this year. And for the first time, armed forces showcased the T 90 Vajra tank. टी नाइन टैंको शोकेस्ड फॉर दी फर्स्ट टाइम ऑन आर रिपब्लिक डे रिपब्लिक डे पे पहली बार गणतंत्र दिवस पे पहली बार आपको देखने मिला टी नाइन टैंक को प्रदर्शित किया गया था दोस्तों ये अपने एक बहुत विशेष बात है और आपको एक दो और बातें खूब मुख्य मैं आपको बताऊंगा इससे जुड़ी हुई जैसे कि आपको सम विजय इलेक्ट्रॉनिक वॉलफेयर सिस्टम भारत सरकार के द्वारा एक नया सिस्टम बनाया गया है सम विजय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम सम विजय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ये भी इस गणतंत्र दिवस पे आपको ये भी आपको इस गणतंत्र दिवस पे देखने मिला है राइट फर्स्ट इंडियाज इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भारत के द्वारा बनाया गया है जो युद्ध के दौरान किसी भी प्रकार की सूचना इकट्ठी करने में इस्तेमाल किया जा सकता है सम विजय दिस इज कॉल्ड सम विजय इसका नाम सम विजय और ये भारत के द्वारा बनाया गया है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दोस्तों यह भारत के द्वारा बनाया गया है समविजय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसके अलावा आपको सुखोए पार्ट फाइटर जेट्स सुखोए फा, फाइटर जेट्स वर आल्सो विटनेस्ड वर आल्सो शोन रशियन बिल्ट सुखोए जेट्स राफेल सो यह सब इस रिपब्लिक डे पर आपको देखने मिला आर रिच कल्चर एंड हेरिटेज हमारी संस्कृति हमारी धरोहर हमारे देश की धरोहर को सेलिब्रेट किया गया सत्रह झांकियाँ सेवनटीन टैबल्यूज फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज सत्रह झांकियाँ आपके राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से और नौ झांकियाँ आपके अलग अलग केंद्र सरकार के मंत्रालयों से नाइन आर फ्रॉम डिफरेंट यूनियन मिनिस्ट्रीज एंड वेरियस पार्लियामेंट्री फोर्सेस इन इंडिया दे टुक प्लेस इन दी सेवन सेकेंड रिपब्लिक डे परेड सेवेंटी सेकेंड रिपब्लिक डे परेड समोटल नाइन प्लस दिस ईयर सो स्टार्टिंग फर्स्ट विद टी नाइनटी टैब्ल्यू टी नाइनटी टैंक्स बेसिकली ये टैंक्स है आपके आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से आर्मी की तरफ से देवर प्रेजेंटेड देवर शोन टू द कंट्री दे पास द राजपथ डूरिंग द सेवेंटी सेकेंड डे सेकंड सेवेंटी सेकेंड रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन डेली दिल्ली के अंदर बहत्तरवे आपके गणतंत्र दिवस पर आपको देखने मिला कि टी नाइनटी टैंक बिल्कुल प्रज्ञा कह रही है सर लग, डाक का पहली बार टैब्लो दिखा है बिल्कुल एब्सोल्यूटली करेक्ट राइट आगे बढ़ते हैं यस वेरी गुड यस वेरी गुड वेरी गुड सो सी सच क्वेश्चन कैन बी आस्ट इन योर इंटरव्यू जब आपका साक्षात्कार होगा ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि गणतंत्र दिवस की खासियत क्या थी तो आप अलग अलग मिलिट्री फॉर्मेशन के बारे में बात कर सकते हैं आप इन टैंक्स के बारे में समविजय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के बारे में अब आपको ये फोटो देखने मिल रही है दिस फोटो इज शोन टू यू वॉट डू यू सी इन दिस यू सी सुर्टी एम के आई जेट्स द रशियन बिल्ट सु एमके आई जेट्स राइट अलॉन्ग विद अ ग्लोब मास्टर गाइज दिस एक्चुअली आई सॉ ये ग्लोब मास्टर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था इट्स अ जाइंट एयरक्राफ्ट It is not. It is not. It is not like anything else. It is a giant. If you will see It's a giant aircraft, Globemaster. So this was also C-17 Globemaster was also shown along with many fighter aircraft. This was in a formation, and this basically was the key highlight of the air force. Right? Achha, let's start with the various states' tabloids which were presented this year. बिकॉज मेनी टैबलूज देयर वन बाई वन लेट सी वेरियस टैबलूज विच वेजेंटेड ओके एक एक करके हम देखते हैं कौन सी कौन सी झांकियाँ थी मैंने आपको मुख्य बात तो बता ही दी है नेशनल वॉर मेमोरियल मेमोरियल के पे आपका विजिट किया गया राजनाथ सिंह जी के द्वारा द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री वेन टू देशनल वॉर मेमोरियल अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज दिस इज टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन इज द 50th anniversary of bangladesh bangladesh came to existence in 1971 so it is completing its 50th independence day this year and bangladesh armed forces contingent also participated also participated in the 72nd republic day and for the first time it happened bangladesh ki sena भारत के अंदर आकर हमारे गणतंत्र दिवस पर 122 सदस्यों के एक कंटिजेंट को भारत लाया गया था वन ट्वेंटी टू मेंजेंट ऑफ फोर्सेस केम टू इंडिया दे वॉक ऑन दी जन राजपथ एंड सेलिब्रेटेड विद इंडिया इट्स रिपब्लिक डे पहली बार ऐसा हुआ है राइट दिस मार्चिंग यूनिट मार्चिंग कंटिंजेंट ऑफ बांग्लादेश विजिटेड इंडिया दिस शोज गुड स्ट्रांग टाइज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश भारत और बांग्लादेश के एक मजबूत संबंध को दिखाया जा रहा है इसके द्वारा एंड यस एब्सोल्युटली इंडिया हैज ऑलवेज वर्कड हैंड इन हैंड इन विद बांग्लादेश हमेशा हमने बांग्लादेश की सहायता करी है 1971 में भी हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में सहायता करी हमारे देश के सैनिकों ने अपनी जान गंवाई जान शहीद हुए देश के लिए जान निछावर कर दी सो दैट इज वाई दिस वॉज बेसिकली अ मेजर हाईलाइट यू शुड रिमेंबर दिस दैट बांग्लादेश फॉर द फर्स्ट टाइम इट पार्टिसिपेटेड इन दी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन अपार्ट फ्रॉम दिस गाई यू सी सॉरी यू सी that apart from the bangladeshi army this is the third time that a contingent from any foreign country came to india third time and walked on rajpath on the republic day earlier french the people uh, the french army people the people from french country the army men from french uh, france basically not french country france came to india visited india in 2016 and from united arab emirates uae राइट वी आर हैविंग स्ट्रॉन्ग रिलेशन कंट्रीज ऑल्सो सो फ्रांस के दो हजार सोलह में आ चुके हैं फ्रेंच सोल्जर्स टू इंडिया टू परेड इन रिपब्लिक डे टू थाउंड से आ, चुक, आ चुके हैं टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में अब बांग्लादेश से आए हैं पहली बार तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना बांग्लादेश से पहली बार वन ट्वेंटी टू मेंबर्स का कंटिजेंट इंडिया आया था टू रिमेम्बर दैट अपार्ट फ्रॉम दाइस मूविंग फॉर्दर फॉर द इंडियन आर्मीज इंडियन आर्मीज राइट Calling her a girl will be uh, will be gender biased because a lady a so a soldier a soldier a fellow brethren of Indian air armed forces Indian Air Force first female or women fighter pilot who paraded who took part in the Republic Day parade Flight Lieutenant Bhavna Kant is the name of this lady who for the first time. Took, uh, took part or participated in a Republic Day parade in the capacity of a fighter pilot. So first female or woman fighter pilot who joined the Republic Day parade this year was Flight Lieutenant Bhavna Kant. Flight Lieutenant Bhavna Kant, who basically is from Bihar. Right? She is one of the first fighter pilots of the Indian Armed Forces, Indian Air Force along with Avni Chakravarti and uh, many other and मैनी चत अग्नवी चतुर्वेदी पाठन एंड मैनी अदर न्यू फीमेल सोल्जर्स शी वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट सोल्जर्स टू जॉइन दी इंडियन एयरफोर्स सो डू रिमेंबर दिस दिस इज ऑल्सो मेजर ओकेजन स्पेली वेन इट कम्स टू फीमेल एम्पावरमेंट आप अपने यू पी एस सी के जी एस वन सोशल इशूज के अंदर इनका एग्जाम्पल ले सकते हैं दैट द फीमेल प्रेजेंस इन दी आर्म्ड फोर्सेज इज राइजिंग नाउ तो आप इस पूरे आ, पूरे जो हमारा एक हम देख रहे हैं रिपब्लिक डे परेड के बारे में टैबल्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जाम के अंतर्गत इट शोज दैट वूमेन आर एक्चुअली टेकिंग ऑफ इन आर कंट्री राइट फीमेल आर जॉइनिंग इन ग्रेटर नंबर द इंडियन आर्म फोर्सेस पहले से आपको देखने मिलेगा कि हमारी महिलाएं जुड़ रही हैं भारत की सेना के अंतर्गत इन दी इंडियन आर्म फोर्सेस राइट मूविंग फॉर द वाइज नेक्स्ट स्लाइड प्लीज लेट्स सी

इट कैन बी फायर्ड फ्रॉम एनी प्लेस इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ऑफ द वर्ल्ड इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दिस वॉज ऑल्सो रेप्रेजेंटेड फ्रॉम द डिफेंस एयर इक्विपमेंट शो केसिंग पिनाका रॉकेट पिनाका रॉकेट सो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर मल्टी बैरल मीन्स ये काफी सारे बैरल है ना आपके जिनमें आपको अलग अलग मिसाइल देखने मिल रही है राइट सिक्स और सिक्स सिक्स प्लस सिक्स का बैरल दिख रहा होगा एक राइट right? एक बैरल से छह मिसाइल फायर होंगी सो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम पिनाका मोस्ट एडवांस रॉकेट सिस्टम इन द वर्ल्ड राइट एंड इट इज फुल्ली ऑटोमेटेड यू फायर एंड फॉर गेट यू फायर फ्रॉम वन एंड वन एरिया एंड इट गोज ड्रॉप ऑन दी टारगेट विच इज अक्वाई इट जहां पर आप फिक्स कर दोगे वहीं पर जाके अटैक करेगी तो आपको बस एक बार इसको चालू करके छोड़ देना है तो पिनाका रॉकेट हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज़ को नेस्तनाबूत करने के लिए बहुत कम समय के अंदर टू डिस्ट्रॉय समथिंग इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम नेक्स्ट थिंग द सचिल्का का वेपन सिस्टम द इंडियन आर्मी हैड अपग्रेडेड द सचिल्का का वेपन सिस्टम बेसिकली इट इज रशियन ये वेपन सिस्टम रशियन था एयर डिफेंस सिस्टम हमने इसको काफी Right after the process of modernization, kafi changed and it was basically with the help of EME merit which is in Uttar Pradesh, right? It was basically renewed and rekindled to become a mean machine. And this was also brought out as a advanced weapon. Sachilka weapons system. So that it can also destroy any of the target which it, which it acquires. अपार्ट फ्रॉम दिस डी आर डी ओ टैबल्यू दी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग एंड हेलिना द लॉक बिफोर लॉन्च एंड फायर एंड फॉरगेट सिस्टम फायर एंडेट क्या होता है आपने किसी टारगेट को अक्वायर किया पहली बार राइट किसी टारगेट को अक्वायर किया आपने और उस पर आप सीजा जाके अटैक कर सकते हैं

So, this is also a very important thing which was showcased this year by DRDO, Defense Research Development Organization. So, I told you in the area of weaponry, many things were showcased in this 2021's Republic Day Parade. Moving further, so DRDO's contribution I showed you, right? DRDO actually has contributed in the past.

हेलीकॉप्टर वर्जन दिस वॉज शोकेस्ड दिस ईयर बाय डी आर डी ओके सम मार्चिंग कंटिंजेंट्स वर पार्ट ऑफ इट लाइक द जाट रेजिमेंट द गढ़वाल राइफल महार रेजिमेंट जम्मू कश्मीर राइफल द बेंगाल स्पैडर्स टी एर टेरिटोरियल आर्मी नेवल मार्चिंग कंटिंजेंट नेवल झांकी विच बेसिकली वॉज अ झांकी ऑफ द इंडियन नेवी आई इंडियन एयरफोर्स मार्चिंग कंटिंजेंट वॉज देयर डेली पुलिस कंटिंजेंट वॉज देयर बट 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 एंड बट द मोस्ट फेमस और राधर ऑन विच द मैक्सिमम आईज वर देयर राइट जिसपे सबसे ज्यादा लोगों की जल, आपकी नज़र थी वो था एन एस जी का कंटेन्जेंट माई गॉड आई सॉ इट एंड बिलीव मी इट वॉज इट वॉज सो मोटिवेटिंग सो इंस्पायरिंग टू सी द मैन इन ब्लैक राइट द रियल मैन इन ब्लैक

अच्छा स्टेट टैबल्यूज अब हम देख लेते हैं स्टेट से कौन सी कौन सी टैबल्यूज आई थी लेट अस लुक एट दी टैबलूज विच ब्रॉट इन बाय द वेरियस स्टेट्स राइट हमें अब देखना है कि कैसे अलग अलग राज्यों से टैबलूज आई थी देखो एक मैं शुरू करने से पहले बेसिक बात बताना चाहता हूं दिस ईयर लद्दाख लद्दाख एक्चुअली इन 2019 गॉट सेपरेटेड फ्रॉम जम्मू कश्मीर लद्दाख 2018 में जम्मू कश्मीर से अलग हुआ है और अब एक अलग राज्य होने की वजह से आपको देखने मिलेगा लद्दाख की एक अलग आइडेंटिटी है क्योंकि एक अलग राज्य बन गया है इट इज अ डिफरेंट स्टेट ऑल टूगेदर सो इट हैज अ डिफरेंट आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन इट हैज अ डिफरेंट आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन एंड दैट इज वाई दिस ईयर लद्दाख केम इंडिविजुअली एज अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी एज अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सो लेट मी शो यू लद्दाख या लेट मी शो यू लद्दाख फॉर द फर्स्ट टाइम आई सेड लद्दाख केम टू द रिपब्लिक डे एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम जम्मू कश्मीर अब तक क्या होता था दो हज़ार उन्नीस तक जम्मू एंड कश्मीर का ही पार्ट था लद्दाख पर अब एक सेपरेट यूनियन टेरेटरी बन गया है एंड दिस वॉज बेसिकली सेलिब्रेटेड दिस वॉज बेसिकली प्रजेंटेड लद्दाख फॉर द फर्स्ट टाइम विजन ऑफ लद्दाख टू बी अ कार्बन न्यूट्रल एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड एक ऐसा एरिया बनना चाहता है ये जो कि कार्बन न्यूट्रल है एन एस जी की फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बेटा एनएसजी की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ब्लैक कैट कमांडो कहते हैं ना छब्बीस ग्यारह याद होगा इफ यू रिमेंबर द मुंबई एपिसोड ट्वेंटी सिक्स इलेवन एपिसोड ब्लैक कैट कमांडो केम ऑन द सीन तो उन्हें एनएसजी कहा जाता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ओके प्लीज लेट मी टेल यू अबाउट लद्दाख मुझे लद्दाख के बारे में बताने दीजिए सुनिए ध्यान से लद्दाख भारत का पहला राज्य बनना चाहता है आज का भारत का पहला राज्य बनना चाहता है जो कि कार्बन न्यूट्रल कंप्लीटली कार्बन उत्सर्जन रोकना चाहता है इट वांट्स टू स्टॉप कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन इट वॉन्ट्स टू प्रिजर्व द ग्लोबल एनवायरमेंट इट वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट इन हेल्पिंग द वर्ल्ड टू ग्रो फर्दर एंड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड टूट ना जाए पूरी दुनिया प्रदूषण की वजह से समस्याएं ना पैदा हो ये इच्छा आपकी इस राज्य ने प्रस्तुत करी है विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग टू सी इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल राइट पूरे विश्व को एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करी है लद्दाख के द्वारा लद्दाख ने साथ साथ अपने बुद्धिस्ट कल्चर का भी परिचय दिया है लद्दाख इज बेसिकली एन एरिया विल बी इन फ्यूचर नोन फॉर वेरियस साइंटिफिक डिस्कवरीज ऑल्सो विच आर हैपनिंग फॉर एग्जाम्पल द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी विच इज बी बिल्ड इन लद्दाख इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लद्दाख दिस इज इन लद्दाख हानले इन लेह लद्दाख रीजन हानले इज एन एरिया एच ए एन एल ई हानले इज एन एरिया लद्दाख में ही क्यों बनाई गई है क्योंकि लद्दाख ऊंचाई पर है इट इज ऑन ए हाई लैंड इट इज ऑन ए हाई हाई एरिया एंड दैट इज वे दब्जरवेट्री इज बिल्ड देयर टू लुक एट दी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स विच आर हैपनिंग राइट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को कैप्चर कर सके इसलिए लद्दाख के अंतर्गत इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट हानले नाम की जगह पे बनाई गई है ये बात अच्छे से याद रखना इसलिए इस, इनकी जो झांकी थी दैट इज वाई दिस टैब्लू इंपॉर्टेंट दिस इज द वर्ल्ड्स हाइएस्ट साइट फॉर ऑप्टिकल इंफ्रा रेड एंड गामा रे टेलीस्कोप आई आई टोल्ड यू आई रिपीट वंस अगेन इट इज दाइएस्ट हाइएस्ट एल्टीट्यूड के मामले में ऊंचाई के मामले में सबसे ऊंचाई पर है अलग अलग एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को अलग अलग इंफ्रा वेव्स में गामा में कैप्चर करने के लिए Observatory, Observatory year, right? me, कितनी हाइट है कितनी ऊंचाई है फोर पॉइंट फाइव किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल और फोर्टी फाइव हंड्रेड मीटर्स और फोर्टीन हंड्रेड फोर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड फीट आप किसी में भी इसको देख सकते हो 14,800 फीट के करीब टैबलू का हिंदी मतलब होता है यार। आप क्या पूछ रहे हो? Okay? Right? चलो कोई बात नहीं। गवर्नमेंट बेसिकली क्योंकि इंडिया का सिक्योरिटी कंसर्न है राइट एंड ऑल्सो दी देर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन विच इज माइत्रेय ट्रेडिशन माइत्रेय बुद्धिज्म अब देखो मैत्रेय बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी रिपब्लिक डे परेड में देखा जाता है रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन कैन बी आस्ट एनी वेयर मैत्रेय बुद्धिज्म इज अ स्कूल ऑफ थॉट ऑफ बुद्धिज्म बेसिकली द फ्यूचर बुद्धा द मैत्रेय बुद्धा विच इज शोन इट इज लाइक द फ्यूचर बुद्धा बोधी सत्व है, बोधि सत्व अगर आपको पता होगा बुद्धिज्म के बारे में थोड़ी बहुत खबर है तो बुद्धिज्म के अंदर एक प्रिंसिपल होता है बोधी सत्व या सतावा का बोधी सत्व एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आपको यह देखने मिलेगा कि द बुद्धा इन इट सेल्फ इन पर्सन बुद्धा इन इट सेल्फ द बोधि सत्व दैट पर्सन वॉज ऑन हिज पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट एक बोधी सत्व अपने निर्वाण के मार्ग पर था अपने निर्वाण के मार्ग पर था और वो उस मार्ग पर जाते जाते रुका और दूसरों को निर्वाण की तरफ ढकेलने लगा दूसरों को निर्वाण की तरफ ले जाने लगा दैट पर्सन स्टार्टिंग हेल्पिंग एंड पुशिंग अदर्स टू ऑन द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट सो दैट ही और शी विल बी एनलाइटेंड एंड टू हेल्प मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड दिस इज दफ बोधिसत्व बोधिसव वो बींग है बोधिसव बोधि सत्व वो बींग है जो कि फ्यूचर जनरेशन्स को निर्वाण के रिश्ते पर ले जाएंगे हु कैन एक्चुअली टेक द फ्यूचर जनरेशन ऑन द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट सो देर इज वन टाइप ऑफ बोधिसत्व विच इज मैत्रीय बोधिसत्व और द मैत्रीय बुद्धा हु इज सेलिब्रेटेड ही इज कॉल्ड एज द फ्यूचर बुद्धा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में मैत्रीय बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पहले ही आ चुका है तो आप देख रहे हैं क्यों ये सारे रिपब्लिक डे परेड में इतने इन डेप्थ कवर कर रहा हूँ राइट right? क्यों मैं इनको इतना इनडेप्थ पढ़ा रहा हूं ओके सो ट्राइंग टू टेक अस दस इट इज रिलेटेड टू थेरावाद बुद्धिज्म बिल्कुल बेटा येस इट इज रिलेटेड टू थेरावाद बुद्धिज्म ओके मूविंग फॉर्द लेट्स वी हैव सीन कंप्लीटली दिस लद्दाख टैब्लू गुजरात टेम्पल गुजरात के अंदर गुजरात टैब्लू के अंदर सन टेम्पल ऑफ मोढेरा सन टेम्पल ऑफ मोढेरा ओके मोढ़ेरा सन टेम्पल विच वॉज बिल्ट इन दिलेवेंथ सेंचुरी बाय द किंग ऑफ चालुक्यन एम्पायर किंग भीम दिस वॉज रिप्रजेंटेड द गुजरात टैब्लू वॉज रिप्रेजेंटेड दिस ईयर इन दिस फॉर्म ठीक है गुजरात का टैब्ल्यू आपको देखने मिलेगा गुजरात टैब्लू वॉज रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म ओके सन टेम्पल ऑफ मोधेरा अच्छा इसके साथ साथ आपको देखने मिलेगा द सभा मंडप ऑफ दिस सन टेम्पल वे आर फिफ्टी टू पिलर्स आर देयर फिफ्टी टू पता है क्यों है फिफ्टी टू नंबर यूनिक इसलिए है दोस्तों बिकॉज एक साल के अंदर हमारे फिफ्टी टू वीक्स होते हैं वी हैव फिफ्टी टू वीक्स इन वन ईयर दैट इज वाई दिस नंबर फिफ्टी टू वॉज सो इम्पॉर्टेंट एंड फिफ्टी टू पिलर इज द नंबर ऑफ पिलर्स ऑन विच सन टेम्पल ऑफ मोदेरा इज बिल्ड टू सेलिब्रेट द फिफ्टी टू वीक्स विच आर इन अ ईयर ओके सो दिस वॉज देयर इन द गुजरात झांकी इन द गुजरात टैबलो यू सी द इमेज ऑल्सो वंस that the sun temple of modhera in gujarat modhera area gujarat it was presented by the gujarat authorities the tableau depicted the sabha mandap the sabha mandap is like the main mandap area of the temple this was represented and tippani dance tippani dance which is a dance very famous of the gujarat culture which represents the gujarat culture this tippani dance was a which, which is a folk dance of gujarat this was also represented in the tableau right You can zoom this was also represented in the tableau this tippani dance which is famous dance of gujarat this was also represented this year अपार्ट फ्रॉम टैब्लू टी प्लांटेशन काफी बड़े लेवल पर देखने मिलता है असम के अंदर चाय बागान देखने मिलते हैं आपको काफी बड़े स्तर पर सो टी प्लांटेशन बेसिकली वॉज प्रजेंटेड द्लाट्यू रिलेटेड टू टी प्लांटेशन चाय बागानों से रिलेटेड प्लेट्यूज आपको देखने मिले असम के अच्छा असम के कल्चर के बारे में भी असम का एक बीहू डांस है विच वॉज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड द रनासरस राइनासरस असम के अंदर काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में द रनासरस डेंसिटी इज हाइएस्ट एक संग एक सींग वाले गेंडे की आपको डेंसिटी uh, सबसे ज़्यादा देखने मिलती है असम के अंदर काजीरंगा आपको काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर देखने मिलती है दैट इज़ वाई दिस वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जो बेसिकली टी गार्डन्स One horned rhinoceros and the special dance bihu dance of Assam. This was represented in the Assam's in the Assam's tableau. Tamil Nadu pardon Tamil Nadu tableau. It is also related to religious. It is also related to religious ideology basically. The Tamil Nadu tableau tamil nadu it represented the shore temple i repeat tamil nadu tableau represented the shore temple shore shore temple is in tamil nadu right a very important area and some other monuments of the pallava dynasty right there are many famous monuments of pallava dynasty which was there in uh, south india right see पल्लवा कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दी आर्ट एंड आर्किटेक्चर अब आपका कोई भी एग्जाम होगा पल्लवा डायनेस्टी के आर्ट एंड आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आ चुका है जैसे कि एक बार डिसेंट ऑफ गंगा एंड अर्जुनास पेनेंस के बारे में पूछा था यह है आपका अर्जुनास पेनेंस ये बेसिकली महाभारत के बारे में स्टोरी डिपिक करती है राइट दिस स्टोन स्लैब ओके अर्जुना पेनेंस अर्जुन अर्जुन ने क्षमा माफी करी थी Right. उसको दर्शाया गया है डिसेंट ऑफ गंगा कैसे गंगा माँ गंगा नदी हेवन से स्वर्ग से उतरी थी पृथ्वी पर इनकी आपको ऐसे वॉल के ऊपर कई सारे आपको आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिकल क्रिएशंस देखने मिलेंगे पल्लवा टाइम पीरियड पे पल्लवा टाइम पीरियड पे काफी सारे टेंपल्स ब्यूटीफुल टेंपल्स पगोड़ा वेरियस ब्यूटीफुल ब्यूटिफुलें टेंपल्स लाइक शोर टेंपल एंड Kalash Nath Temple, you can see of the Pallava dynasty. Shore Temple and Kalash Nath Temple of the Pallava dynasty, you can see during this which were built during this time period. Apart from this, guys, apart from this, so basically Tamil Nadu celebrated its historic rich tradition of the of the Pallava dynasty. Which were built during the Pallava dynasty, a South Indian dynasty. Right? Pallava dynasty ka major time period. सेवन हंड्रेड टू एट हंड्रेड ए डी ही देख सकते हो आप यू कैन कॉल देम यू कैन कॉल दिस डायनेस्टी विच स्टार्टेड ड्यूरिंग थ्री हंड्रेड ए डी बट मेजर टाइम पीरियड किसी भी टाइम पीरियड का मेजर आई मीन किसी भी डायनेस्टी का मेजर टाइम पीरियड देखा जाता है जिस जिसपे वो सबसे बुलंदी पर थी राइट सो यस दिस कैन एक्चुअली बी आस्ट द पल्लवा द पल्लवा हेरिटेज द वेरियस आर्टिस्टिक डेवलपमेंट विच हैपन ड्यूरिंग पल्लवाज एवरी थिंग ऑफ दिस सॉर्ट कैन बी आस्ट राइट So that is why I have included this for you all. The Tamil culture is related to in a very great manner. The Tamil, Tamil culture is related to the Tamil culture to the Pallava dynasty of South India. So let me show the where the Pallava dynasty was also there in South India. Kanjipuram was their capital time period. Aapko. This was basically the area of influence of Pallava. They had very strong leaders like Mahendra Varman. वेरियस वेरियस स्ट्रांग लीडर्स ऑफ दिस डाइनेस्टी वर देअर हु बिकेम वेरी प्रोमिनेट इन साउथ इंडिया लाइक नरसिम्ह वर्मन महेंद्र वर्मन नंदी वर्मन दंती वर्मन डिफरेंट डिफरेंट पीपल उस सब में मत जाओ मैं बस आपको एक इंसाइट दे रहा हूं एक आइडिया दे रहा हूं कि ये हुआ है ये हुआ है राइट एंड येस ममलपुरम में टू थाउजेंड नाइनटीन में इंडियन इंडिया चाइना प्राइम मिनिस्टर इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड चाइनाजी जिंगपिंग द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना दे मेट तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और बहुत इंपॉर्टेंट रॉक कट आर्किटेक्चर है रॉक कट क्यों क्योंकि पत्थर से काट के बने हैं ना दे हैव बीन मेड आउट ऑफ रॉक्स दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रॉक कट आर्किटेक्चर एंड दीज आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दीज आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो ये छाकी जो थी तमिलनाडु की शोर टेम्पल जो आपका तमिलनाडु का एक बहुत महत्वपूर्ण टेम्पल है शोर टेम्पल इसको प्रदर्शित किया गया है राइट इसको प्रदर्शित किया गया इस वर्ष नेक्स्ट इज दी महाराष्ट्र टैबल्यू महाराष्ट्र टैब्लू महाराष्ट्र टैब्लू महाराष्ट्र की झांकी रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस पर 2021 के महाराष्ट्र की झांकी भी निकली जिसमें महाराष्ट्र की संस्कृति के अंतर्गत विद इन ऑफ द ट्रडिशन द कल्चर ऑफ महाराष्ट्र विच रिप्रेजेंट्स भक्ति मूवमेंट भक्ति मूवमेंट से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है देखो यहीं से क्यों लो भक्ति मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट इट इज बेसिकली द रेनेसा जन ये पुनर्जागृति थी कि इंसान जब हवन हो गया लोगों की बलियां देने बलिया, चलो हवन तो चलो इट नॉट दैट बैड बट सुपर स्टेशन में लोग बहुत ज्यादा फंसने लगे थे राइट आई विल नॉट डिफेम एनी ट्रेडिशन बट हाँ सुपर स्टेशन अंधविश्वास में फंसने लगे थे तब भक्ति मूवमेंट भक्ति आंदोलन के काफी सारे गुरु जैसे महाराष्ट्र के अंतर्गत जी एन ई टी यू uh, हैव uh, नामदेव एक नाथ तुकाराम एंड ज्ञान देव जनानदेव और ज्ञान देव यू हैव वेरियस भक्ति सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र राइट right? मोस्टली ऑफ पंडरपुर पंडरपुर महाराष्ट्र में एक फेमस जगह है जहां पे लोग तीर्थ करने जाते हैं दे गो बेसिकली एज अज अ पर्सन राइट दे विजिट पंडरपुर पंडरपुर अपना ये तीर्थ यात्रा करने जाते हैं पंडरपुर के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पंडरपुर के कत करने जाते हैं दे गो टू पिलग्रमेज इन महाराष्ट्र इट इज़ वेरी फेमस एंड रिलेटेड टू दी रिलेटेड टू दी ट्रेडिशन ऑफ महाराष्ट्र सो भक्ति सेंट्स सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र दे वर रिप्रेजेंटेड एंड हिस्टोरिक मीटिंग ऑफ सेंट संत तुकाराम एंड शिवाजी शिवाजी राजे भोसले को शिवाजी महाराज को जो महाराष्ट्र की शान है महाराष्ट्र का शेर कहा जाता है इन्हें राइट मराठियों का शेर कहा जाता है पब्लिक भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक नेता और लीडर थे नेतृत्व तो इन्होंने दिया था सो बेसिकली हिज मीटिंग विद विदाम वेरी फेमस संत ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड इट चेंज हिज कोर्स ऑफ थिंकिंग उनकी सोच बदल के रख दी इन इनसे मुलाकात के बाद सो दैट इज वाई दिस इन इट सेल्फ वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वाई सी टू क्रिएट हिंदू पद पातशाही टू क्रिएट अंदू डाइनेस्टी और अ डायनेस्टी विच इज इंडियन इन नेचर हिंदू का मतलब हिंदू रिलीजन मत सोचो बेसिकली मुगल्स को हरा कर मुगल्स को हटाकर इंडिया में अपना खुद का राजशाही होनी चाहिए ये विचार इनको आया बहुत प्रेरणा मिली और हाँ उस प्रेरणा से इन्होंने बहुत बहुत ज्यादा शिवाजी महाराज ने बहुत ज्यादा आगे जीवन में अपनी बुलंदी प्राप्त करी यस yes. चलो मूविंग फॉर्दर मूविंग फॉर्दर उत्तराखंड इट खंड केदारखंड केदारखंड बेसिकली आदि फोर सेक्रेट पिलग्रमेज साइट्स चार महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल जो कि उत्तराखंड के अंदर है केदारखंड कॉल्ड राइट एंड दी होली रिवर गंगा जहां पे गंगा आपको गंगोत्री आई एम सॉरी गंगोत्री आपको देखने मिलती है देवभूमि कहा जाता है राइट केदार टेम्पल ऑफ लॉर्ड केदार सो उत्तराखंड टैब्लू इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन रिपब्लिक डे दिस वॉज शो शो केसिंग और शोइंग दिस ओनली राइट उत्तराखंड आपका केदारखंड उत्तर उत्तराखंड के महत्वपूर्ण टूरिस्ट साइट्स पर्यटन स्थलों के बारे में ही दर्शा रहा था दोस्तों ये बात याद रखिएगा मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू शो यू एन इमेज ऑफ दी ओरिजिनल टैबलू ऑफ़ उत्तराखंड मैं आपको एक बार उत्तराखंड की झांकी दिखाना चाहता हूं आप इस फोटो में देख सकते हैं यू कैन सी इन दिस फोटो द सेन्ट्स ऑफ उत्तराखंड आर रिप्रेजेंट संत जो उत्तराखंड के अंदर आते हैं उनको दिखाया गया है उनको दर्शाया गया है राइट और आपको उत्तराखंड की बायोडाइवर्सिटी फ्लोरा एंड फोना जानवर और वन जो आपके वन के अंदर आप आपके पौधे होते हैं फूल होते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स बेसिकली राइट एंड वेरियस प्लेसेज आर देयर राइट, ओके, वैली ऑफ फ्लावर्स जो आपको देखने मिलेगा बहुत सारे फूल उत्तराखंड के अंदर आपको चमोली वैली पिथोरागढ़ अलग अलग एरियाज के अंदर देखने मिलता है ब्यूटीफुल, सीनिक ब्यूटी आप विश्वास नहीं करेंगे इतना सुंदर आपको वैली ऑफ फ्लावर्स का नजारा देखने मिलेगा आपको लगेगा ही नहीं कि आप भारत के किसी क्षेत्र को देख रहे हैं यू विल नॉट फील लाइक योर लुकिंग एट एनी प्लेस ऑफ इंडिया राइट सो दिस इज दिसल एग्जाम्पल ऑफ दिस प्लेस हाउ इट लुक्स लाइक वैली ऑफ फ्लावर्स बेसिकलीब्रेटेड इन दैबलू तो इसके आगे छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ का टैब्लू छत्तीसगढ़ के फोक म्यूजिक लग, आपके छत्तीसगढ़ के संगीत से संबंधित था और छत्तीसगढ़ के फोक सॉन्ग विच आर प्लेड ऑन दी धनकुल वाद्य इंस्ट्रूमेंट ये एक वाद्य यंत्र होता है इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है सो छत्तीसगढ़ रिपब्लिक डे दिस रिप्रेजेंटेड द म्यूजिकल ट्रेडिशन एंड द म्यूजिकल कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़ ऑफ छत्तीसगढ़ राइट तो छत्तीसगढ़ की झांकी भी आपको देखने मिली तो छत्तीसगढ़ के संगीत से संबंधित है ओके दिस वॉज टू द ट्रेडिशन ऑफ द छत्तीसगढ़ द म्यूजिक ऑफ द छत्तीसगढ़ एंड लेट मी शो हाउ दिस टैब्लू एक्चुअली लुक्स लाइक क्योंकि इमेज के बिना देखकर मेमोराइज नहीं कर पाओगे सो सी इन दिस फोटो यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इट वॉज रिप्रेजेंटेड दिस ईयर राइट द धनकुल वाद्य इंस्ट्रूमेंट दिस वॉज रिप्रेजेंटेड एंड द फोक म्यूजिक ऑफ उत्तराखंड ऑफ सॉरी छत्तीसगढ़ वॉज रेप्रेजेंटेड दिस ईयर ओके गुड एनीबडी फ्रॉम छत्तीसगढ़ इन द क्लास शशि एक मिनट उग जाए प्लीजल बाज द डेटी पंडरपुर में गुरु तेग बहादुर नाइंथ गुरु इन सिख ट्रेडिशन फर्स्ट गुरु वुरु नानक देव जी एंड नाइंथ गुरु वॉज गुरु तेग बहादुर जी द टेंथ गुरु वॉज गुरु गोबिंद सिंह जी राइट ग बहादुर जी फर्स्टीन ट्वेंटी वन में उनकी चार सौ भी वर्षगांठ है जन्म दिवस है इसको ही मनाया गया इसी को सेलिब्रेट किया गया है राइट पंजाब टू थाउजेंड ट्वेंटी वन रिपब्लिक डे टैब्लू पंजाब का जो झांकी थी गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में उनको सेलिब्रेट गुरु एम सॉरी तेग बहादुर जी नॉट गोविंद सिंह जी गोविंद सिंह जी वाज़ द सन ऑफ गुरु तेग बहादुर जी उनके पुत्र थे तेग बहादुर जी के राइट right? पुत्र थे सो so, बेसिकली प्रकाश पर्व है गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व मीन्स द बर्थ एनिवर्सरी एंड दिस वॉज सेलिब्रेटेड बाई द पंजाब स्टेट एंड ऑल्सो इन दिस ओन इस झांकी के अंदर इन दिस ओन टैबलू द गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब वेयर गुरु तेग बहादुर जी वॉज क्रमेटेड इनको जहाँ पर इनके अंतिम दर्शन यहाँ पे हुए थे इनको यहाँ पर आ, अंतिम बार लाया गया था मृत्यु उपरांत यहाँ पर आपको देखने मिलेगा एंड लिबंग वुमन डांस लिबंग वुमनी डांस विच इज़ अ फेमस फोक डांस टाइप ऑफ डांस ऑफ पंजाब दिस वॉज प्रेजेंटेड तो गुरुद्वारा रकाब जी and the tradition of punjab the tradition of punjab was represented in this year's chaki tripura tripura beautiful area beautiful place of india tripura is also represented this year and tripura although a small state but do not do not think it to be a state which will be ignored by us no no so tripura basically 2021 tripura 2021 republic day it got presented. Tripura, the Republic Day celebration, in this Republic Day celebration, the thing which was presented is the music and ecology, music and environment of Tripura. आत्मनिर्भर कैंपेन विच इज सर्कुलेटिंग अराउंड बैम्बू बिकॉज त्रिपुरा में बैम्बू बहुत उगता है और बैम्बू को सेल करके फार्मर्स काफी अपनी इनकम इन्क्रीज कर सकते हैं बैंबू ग्रोज अ लॉट इन त्रिपुरा एंड इफ तेक सेल इट दे विल अर्न अ लॉट मेनी ट्राइब्स आर देयर इन इन त्रिपुरा नाइनटीन सच ट्राइब्स आर देयर दे आर ऑल्सो इन दिस मैनर देर ऑल्सो रेप्रजेंटेड सो कल्चर द इम्पॉर्टेंस ऑफ बैंबू एंड दीज थिंग्स वर प्रजेंटेड इन द त्रिपुराज दीज थिंग्स वर प्रेजेंटेड इन द त्रिपुराज रिपब्लिक डे टैब्लू त्रिपुरा के गणतंत्र दिवस के अंतर्गत आपको देखने मिला राइट right? यहाँ पे जनजाति इनका बैंबू ट्रेडिशन बैंबू बैंबू ट्रेडिशन वेस्ट बेंगाल वेस्ट बेंगाल ग्रीन कंपेनियन सबूज सा साइकिल आज हम सब अगर साइकिल चलाने लगे वी ऑल स्टार्ट यूजिंग साइकिल आर एनवायरमेंट बैम्बू क्या होता है यार अब बैम्बू नहीं पता आपको बैम्बू आपने बैम्बू एक हॉर्टिकल्चर uh, एक देखा होगा प्लांट ही कह सकता हूँ आई कैन कॉल इट बेसिकली इज अ स्टेम राइट बैम्बू प्लांट इट इज ग्रोन वाइडली इन नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर बैम्बू को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है छड़ी बनती है इसकी और काफ़ी चीज़ें बैम्बू से आप बना सकते हैं राइट बैम्बू शूट्स से बना सकते हैं बल्कि इसको कुछ लोग तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर कंजर्वेशन जल संचय के लिए भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पाइप जैसा होता है ना देखने में सो दैट इज़ वॉट दी बैम्बू इज़ ओके थोड़ा गूगल कर लेना यार इतना तो आई मीन स्कूल में बताया जाता था ये तो हमारे स्कूल सिस्टम का फेलियर है और कि आप सबको बैम्बू तक नहीं पता क्या होता है राइट कुछ बच्चे को बैम्बू भी नहीं पता क्या होता है तो हमारा स्कूलिंग सिस्टम का फेलियर है क्योंकि स्कूल में टीचर्स ही जागरूक नहीं रहते थे स्कूलों में टीचर्स नहीं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है बच्चों आप भविष्य भारत का मैं आपको प्रयास करूँगा कि आप और बेहतर बन सकें राइट इट इज़ नॉट ए मिस्टेक ऑफ योर चलिए वेस्ट बंगाल के बारे में मैं बता रहा था आपको वेस्ट बंगाल टैब्लू इन 2021 रिपब्लिक डे परेड साइकिल जो सबसे इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए साइकिल जो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है व्हील्स ऑफ चेंज और लोगों के लिए खासकर लड़कियों के लिए गर्ल्स कैन ट्रैवल फ्रॉम एनी प्लेस दे कैन फील इंडिपेंडेंट स्वतंत्र स्वायत्तता महसूस कर सकती हैं, राइट फीमेल्स इस चीज को दर्शाया गया है आपका दिस थिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी वन रिपब्लिक डे टैब्लू दो हजार इक्कीस के गणतंत्र दिवस के झांकी के अंदर सबूज साथी विच इज़ एक्चुअली स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वेयर द स्टेट इज़ ट्राइंग टू प्रमोट साइक्लिंग एंड टू प्रोवाइड फीमेल एम्पावरमेंट टू द गर्ल्स टू द स्टूडेंट्स ऑफ बेंगॉल स्टेट टू द स्टूडेंट्स ऑफ बेंगाल स्टेट ओके Moving further, I told you West Bengal promotes cycling, especially to female students, so that empowerment through education can happen. One crore of free cycles were distributed by the Bengal state government. Apart from this, guys, next one on the line is your Sikkim. Oh, beautiful. Sikkim's tableau in Republic Day 2021. In the 2021, Sikkim's tableau. वॉट वॉज रिप्रजेंटेड बेसिकली सिक्किम इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन रिपब्लिक डे इट शोकेज द कल्चर द नेटिव कल्चर ऑफ सिक्किम द नेटिव कल्चर ऑफ सिक्किम सिक्किम और लद्दाख का कल्चर काफ़ी सिमिलर है और बेसिकली उसी को एक तरीके से सेलिब्रेट किया गया है द नेटिव कल्चर ऑफ सिक्किम राइट इ द रिपब्लिक डे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन थोड़ा स्पेसिफिक मैं जाता हूँ कौनसन जोंगा Zonga, एक बहुत फेमस माउंटेन है पहाड़ है और सिर्फ माउंटेन नहीं है एक बायोडाइवर्सिटी एरिया है इट इज बेसिकली वॉट इट इज अ वॉट अ बायोडाइवर्सिटी एरिया जहाँ पर आपको हर प्रकार के आपको जानवर देखने मिलते हैं बहुत बहुत अलग अलग प्रकार की आपको चीज़ें देखने मिलती है सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट लिसन टू मी फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इन सिक्किम कौन सेनजोंगा कौनसेन जोंगा इज वर्शिप्ड कंचनजंगा ट इज बाई लोकल बाई नेटिव कॉल्ड एज खॉन्सनजोंगा इट इज वर्शिप्ड द खनसनजोंगा माउंटेन ओके एंड नॉट जस्ट द माउंटेन द नियर बाय एरियाज ऑल्सो द पीपल हु आर लिविंग देयर लोकल्स के द्वारा वर्शिप किया जाता है आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस फोटो के अंदर हाउ ब्यूटिफुल दिस प्लेस इज बहुत ज्यादा सुंदर है राइट तो ऐसे क्वेश्चन मनाता है रिलेटेड कोई कोई कुछ भी है क्वेश्चन यहीं से उठ के आ जाता है सो पैंगेस्टिवल बेसिकली पैंगेवल ऑफ सिक्किम लैब्सॉल फेस्टिवल ऑफ सिक्किम द फेमस फेस्टिवल ऑफ सिक्किम जहां पर आप एक मास्क पहनते हो लाइक आई मीन जैसे शैतान का मास्क होता है ना टू रिप्रेजेंट सम ड्रैगन सम पर्सन परसन इविल इविल शैतान को तो ये मास्क आपको देखने मिलता है लैपोल फेस्टिवल में पहना जाता है लैपोल फेस्टिवल में पहना जाता है दिस इज द डे दैट माउंटेन गॉड इज इवोक्ड हम बेसिकली पहाड़ मतलब देवता वो बेसिकली नेचर वर्शिपर्स होते हैं दे आर नेचर वर्शिपर्स पीपल ऑफ सिक्किम दे इन्वोक द माउंटेन गॉड टू कम फॉरवर्ड माउंटेन गॉड को इन्वोक करते हैं बुलाते हैं टू कम फॉरवर्ड राइट एंड दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन सिक्किम इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द फिफ्टींथ डे ऑफ द सेवेंथ मंथ ऑफ द टिबेटियन कैलेंडर तो ये थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा इससे कुछ नहीं पूछेगा पूछा जाएगा बेसिकली गॉड माउंटेन गॉड को इन्वोक किया जाता है पैंग लैपॉल आई मीन अपॉन एट पैंग लैपोल टू कंटिन्यू प्रोटेक्टिंग सिक्किम सो दैट सिक्किम इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी इविल स्पिरिट तो ये सेलिब्रेट किया जाता है द लोकल ट्रेडिशन ऑफ सिक्किम सो बेसिकली होमेज पे करी है इज्जत दी गई है कौनसन सॉन्गा को गार्डियन ऑफ दिक्कमी सिक्किम के लोगों की चलिए बहुत बढ़िया अब आते हैं अब हम उत्तर प्रदेश राम मंदिर इस पर काफी विवाद रहा काफी समय पर देखिये इस बार झांकी के रूप में हमें देखने मिला सो so, राम मंदिर दिस ईयर वॉज रिप्रेजेंटेड बाई द उत्तर प्रदेश

डेली बेसिकली आज तो कुछ और ही चल रहा था डेली में आप लोग न्यूज देखते ही हैं बट डेली रिपब्लिक डे शाहजहानाबाद थाउजेंड ट्वेंटीबाद सिटी है राइट right? शाहजहानाबाद सिटी डेली कोई एक सिटी नहीं है डेली बहुत सारी सिटीज को मिला के बना है राइट प्लीज रिमेंबर डेली इज मेड आउट ऑफ मेनी दिल्ली कभी एक शहर से नहीं बना सात सेवन सिटीज से बना है 1100 हंड्रेड एडी से 1947 फोर्टी तक बहुत सारे एरियाज को जोड़ा एंड डेली वॉज क्रिएटेड दिल्ली बनाया गया कुतुब मीनार के पास आपको अलग एरिया देखने मिलेगा सिरी फोर्ट सिरी एरिया द तुगलखाबाद एरिया जहां पना एरिया फिरोजाबाद एरिया शाहजहानाबाद एरिया द न्यू डेली न्यू डेली वेयर आई लिव ओके एंड शाहजहानाबाद द सिटी अराउंड द पुराना किला तो बहुत बहुत रिच ट्रेडिशन है अब मैं आपको शाहजहानाबाद सिटी के बारे में बता रहा हूं 1639 वाज़ द ईयर व्हेन द वर्ल्ड सिटी अराउंड डेली द वर्ल्ड सिटी अराउंड डेली केम टू बी नोन एज शाहजहानाबाद राइट केम टू बी नोन एज शाहजहानाबाद अब आप जान सकते हैं किसके नाम पे होगा शाहजहां हुआ शाहजहां अब मुगल एम्पर अब मुगल एम्पर म बेसिकलीयर शाहजहानाबाद शाहजहां के नाम पर होगा राइट अच्छा वन ब्यूटिफुल एरिया ऑफ शाहजहाना शो यू और आज तो यह वैसे ही बहुत न्यूज में था आज तो वैसे ही बहुत न्यूज में था बिकॉज ऑफ मेनी कॉन्ट्रोवर्सीज ओके बिकॉज ऑफ मेनी कॉन्ट्रोवर्सीज सो लेट नॉट गो इन टू दैट लेट इस जस्ट स्विफ्टली मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग आगे बढ़ते हैं फटाफट तो हम बेसिकली दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं द चांदनी चौक एरिया और इसको बहुत रीडेवलप किया जा रहा है रीमॉडल किया जा रहा है इट हैज़ बीन रीडेवलप्ड ऑन ए लार्ज स्केल ऑन ए वेरी लार्ज स्केल सो दिस वॉज बेसिकली प्रेजेंटेड हेयर दिस वॉज बेसिकली प्रेजेंटेड हेयर एंड ऑल्सो डेली ऑल्सो प्रमोटेड डेली ऑल्सो प्रमोटेड द ट्रेडिशन ऑफ डेली राइट ट्रेडिशन ऑफ डेली द कस्टम्स ऑफ डेली ये भी प्रमोट किया गया था अच्छा इसके साथ साथ कर्नाटक कर्नाटक के अंदर हिस्टोरिक सिटी ऑफ विजयनगर विजयनगर के अंदर आपको अलग अलग डायनेस्टीज देखने मिलेंगी राइट right? आपको अलग अलग डायनेस्टीज देखने मिलेंगी विजयनगर एम्पायर वेरियस डायनेस्टीज अगर आप हिस्ट्री में जाके विजयनगर एम्पायर की अलग अलग डायनेस्टीज के बारे में देखेंगे राइट इट हैड फोर ओरिजिनल डायनेस्टीज चार अलग अलग डायनेस्टीज रही हैं विजयनगर एम्पायर की राइट right? चार ओरिजिनल डायनेस्टी फर्स्ट वाज संगम डायनेस्टी मैंने ट्रिक लिखी है, फर्स्ट इज संगम डायनेस्टी. संगम संगम डायनेस्टी द नेक्स्ट वन द नेक्स्ट वन इज योर सलुवा डायनेस्टी सलुवा एस ए एल यू बी थर्ड इज टलुवा डायनेस्टी तुलुवा तुलुवा डायनेस्टी एंड लास्ट वन इज अरा डायनेस्टी ये चार अलग अलग डायनेस्टीज रही हैं पर ये एक ही एम्पायर के अंतर्गत अरा डायनेस्टी क्रोनोलॉजिकली बना बता रहा हूं मैं आपको काल क्रमानुसार काल ओके क्रोनोलॉजिकली दीज फोर डायनेस्टीज वर देयर दीज फोर डायनेस्टीज वर देयर क्रोनोलॉजिकली ओके यस अंडरस्टुड गुड 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 गुड

तो 1400 एडी के आसपास 1400 एडी के आसपास विजयनगर लुक्ड समथिंग ऑफ एम्पायर लुकड कुछ ऐसा दिखता था राइट विजयनगर एम्पायर विजयनगर नगर एम्पायर इट हैज ब्यूटिफुल ट्रेडिशन एंड द हिस्टोरिक साइट ऑफ हम्पी हिस्टोरिक साइट ऑफ हम्पी दैट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्टोरिक ट्रेडिशन ऑफ साउथ इंडिया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये विरूपाक्ष टेम्पल है ये विरूपाक्ष टेम्पल है आपको देखने मिलेगा विरूपाक्ष टेम्पल वीरूपाक्ष टेम्पल विच इज देयर इन विच वॉज क्रिएटेड यूरिंग दिस किंगडम राइट इट वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग दिस किंगडम ब्यूटिफुल पेंटिंग्स द सीलिंग इज पेंटिंग ऑफ वीरूपाक्ष टेम्पल द सीरिंग सीलिंग ऑफ इज पेंटेड ऑफ द वीरूपाक्ष टेम्पल ये सीलिंग ऐसे दिखती है सो रिलीजन कल्चर को रिप्रजेंट करता है वीरूपाक्ष टेम्पल विच इज द हाम्पी हाम्पी हम्पी के अंदर बहुत सारे सुंदर इलाके हैं जैसे मैंने आपको एक फोटो दिखाई दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड हम्पी बेसिकली इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटिफुली कार्व्ड पिलर्स बहुत सुंदर बनाए गए पिलर्स के लिए बहुत फेमस है राइट हम्पी अ ब्यूटिफुल सिटी बट नाउ इन रूइिंद आज सिर्फ इसके खंडहर बचा है आज सिर्फ रूइंथ बचे हैं राइट right? रूइंथ बचे हैं इट तो कर्नाटका का कल्चर ऐसे रिप्रेजेंट किया गया था कर्नाटका का कल्चर ऐसे रिप्रेजेंट किया गया था गॉट इट यस यस एब्सोल्यूटली एब्सल्यूटलीस गुड 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 चलो मूविंग फॉरवर्ड सो स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट पे पढ़ते हैं अब हम अब हम देखने जा रहे हैं केरला 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 आर यू ऑल कनेक्टेड विद मी यस येस यू ऑल आर कनेक्टेड विद मी सो सेशन को प्लीज लाइक जरूर करना अगर कनेक्टेड हो सेशन देख रहे हो लाइक करो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट ओके सेशन लाइक करना जरूरी है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू आई एम सींग दैट स्टूडेंट्स वॉचिंग द वीडियो दे आर नॉट लाइकिंग द सेशन और दे आर लाइकिंग द सेशन बट नॉट गिविंग मी दे आर लाइक सो डेफिनेटली गिव मी आ थम्स अपर ओके गुड 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 वेरी गुड चलो आगे बढ़ें Next, so see, Kerala, I think, was left out in the scene. Kerala ke andar, Koir of Kerala. Kerala ke andar, Koir, Koir. Koir of Kerala. Koir, it was represented, Nariyal se, aapko dekhne milta hai, through coconut. Coir industry is very famous in Kerala. I'm sorry, Kerala. Coir industry is very famous in Kerala. And this is what is being promoted. आपको अलग-अलग प्लांट्स -अलग से कोयर डराइव होते दिखता है कोकोनट इज अ मेजर एरिया फ्रॉम विच कोयर इज डेवलप्ड ओके व्हाट इज कोयर दिस रस्सी भी बनती है रोप भी बनती है काफी कुछ बनता है इससे राइट right? काफी कुछ बनता है इससे द कोयर ऑफ केरला वाज सेलिब्रेटेड दिस ईयर कोयर सी ओ आई आर इज सेलिब्रेटेड दिस ईयर राइट केरला ओरिजिनली ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस वर्ड कोयर केरला का नाम कैसे पड़ा है फ्रॉम द वर्ड केरा Kerala's name originated from the word kara, which means coconut. Which means coconut. Kera, Kerala's name originated from the word kara, which means coconut. So, coconut industry, coil industry is very famous and very important in itself. Okay. Also, tableau of Kerala in 2021 parade. This encompassed the rich tradition of Kerala, coil industry, and the

ओके, कोकोनट यस, आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश सो आंध्र प्रदेश का लिपाक्षी टेम्पल आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश का लिपाक्षी टेम्पल वाज रिप्रेजेंटेड, लिपाक्षी टेम्पल वाज रिप्रेजेंटेड, ऑल्सो आंध्र प्रदेश के अंदर द तेलुगु कल्चर ऑफ आंध्र प्रदेश इज शोकेस्ड दिस ईयर राइट फ्रॉम आंध्र, फ्रॉम आंध्र the tradition right was represented tableau of andhra pradesh 2021 republic day it showcased that how how the various areas like the virupanna and virana brothers the Dipakshi temple which was built by them these brothers these architectural genius.

एक पर्टिकुलर पत्थर से बनाया गया दिस वाज रिप्रेजेंटेड लेट मी शो यू द पिक्चर ओके यस सो नाउ यू कैन सी द इमेज ऑफ दिस वीरू दिस लिपाक्षी टेंपल ऑन द स्क्रीन राइट एंड द फेमस नंदी व्हिच इज इन लिपाक्षी टेंपल ओके द फेमस नंदी व्हिच इज इन लिपाक्षी टेंपल दिस वाज रिप्रेजेंटेड दिस ईयर इन द डब्ल्यू andhra Pradesh's tableau lepakshi temple which was built by the architectural geniuses virupanna and virana arunachal pradesh so east meets west this was the theme mompas and Vancho tribes which are from the eastern and western parts of arunachal pradesh okay arunachal pradesh tableau 2021 it was basically showing unity between it was showing unity between the various tribes of andhra pradesh Various tribes of Andhra Pradesh in the Republic Day. Two tribes which are very important. One is Monpas, Mompas, and the other one is Vanchos, Vanchos. Okay, they were represented. I'm sorry, they were represented in 2021 Republic Day. East meets West is the theme. East meets West. the theme tha. मेजर थीम ये था ओके। कंटिन्यूइंग ऑन दिस लाइन, सी द इमेज ऑल्सो ईस्ट मीट्स वेस्ट मोनपास क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में आपके चार ट्राइबल कम्युनिटीज दे, दे देंगे इंडिया की और पूछेंगे कौन सा कौन से स्टेट से है मोनपास एंड वांचो जब आपको याद होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश से है इट इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश चलो एंडिंग कंक्लूडिंग दिस क्लास नाउ ऑन द फाइनल स्केल ऑन द फाइनल एरिया विच इज टैबलूज ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज अब हम क्लास कंक्लूड कर रहे हैं लास्टली आपको बताते हुए कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज के बारे में अलग अलग मिनिस्ट्रीज का टैबल्यू था अलग अलग मिनिस्ट्रीज का जैसे माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत वॉज रिप्रेजेंटेड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वन नेशन वन साइन लैंग्वेज राइट वन साइन लैंग्वेज फॉर दी hearing hearing right who are differently abled in the hearing differently abled right right sound who cannot who cannot hear sound for them one common sign language across the country so basically empowerment of the differently abled ministry of ayush immune india active india नैचुरल इम्यूनिटी बूस्टर इम्युनिटी बूस्टर गिलोय गिलोय प्लांट इज ए नैचुरल इम्यूनिटी बूस्टर दिस वॉज रेप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड एज ए नैचुरल इम्यूनिटी बूस्टर दिस वॉज रेप्रेजेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आयुष मंत्रालय बेसिकली आयुष मंत्रालय अपार्ट फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मिशन कोविड सुरक्षा कोविड शील्ड कोविड मेडिसिन वैक्सीन एंड ऑल it is developed it is being developed by many private companies government is also working very hard in this direction you know department of biotechnology also to enable many organizations along with the governmental organizations to create a very safe and secure vaccine acha ministry of ib ministry of ib information and broadcasting unka vocal for local campaign new india built innovate and marketed by india कैंपेन शुरू किया गया है ओके दिस कैंपेन इज स्टार्टेड दिस कैंपेन इज स्टार्टेड न्यू इंडिया कैंपेन इज स्टार्टेड। एयर शो एयर 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 शो, शो शो। एंड द रुद्रा फॉर्मेशन ऑफ डकोटा एयरक्राफ्ट एंड टू हेलीकॉप्टर्स, राइट रिसेंटली डकोटा एयरक्राफ्ट वर रीस्टोर्ड

तो यूके से रिस्टोर होकर हमारे पास आए हैं अब आपको एक और देखने मिलेगा सुदर्शन फॉर्मेशन ऑन रिपब्लिक डे सुदर्शन फॉर्मेशन ऑन रिपब्लिक डे सो so बेसिक फॉर्मेशन राफेल एयरक्राफ्ट की अलग अलग एयरक्राफ्ट की सी एच फोर्टी सेवन चिनुक हेलीकॉप्टर की राइट right? ये दिखाई गई है अब आप इसको देख ही सकते हैं आई डोंट थिंक इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा चिनुक इज एन एडवांस मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर दैट विल प्रोवाइड इंडियन एयरफोर्स विद अनमेच स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी कभी कोई फंसा हुआ है उसको एयरलिफ्ट करना है उठा के सेफ जगह पर ले जाना है कहीं पर डिजास्टर हुआ है कुछ भी हुआ है उसको सेफ्टी तक ले जाना है टू टूक टू के नीड ऑफ द पर्सन हु स्टक इन ए अनफाउंड सिचुएशन स्टक इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन टू प्रोटेक्ट टू डू ह्यूमन आई मीन टू प्रोटेक्ट द पर्सन ह्यूमन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस फॉर दिस इट इज यूज्ड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ rakshak formation is of one mig and four apache helicopters right one mig and four apache helicopters this was also there beam formation three cj1 c130j aircraft big aircrafts they came together netra formation of uh, drdo's avac right advanced uh, airborne early warning system right and uh, avac advanced warfare method which is of uh, the indian army सुखोई एम के आई थर्टी इसको दिखाया गया नेत्र बेसिकली एक सर्वेलेंस मॉडल है जो एनिमीज पर सर्वेलेंस कर सकता है अगर वहाँ से मान लो लेट्स से एनिमी बॉर्डर्स से इफ थ्रू एनिमी बॉर्डर्स वेपन इज कमिंग टू अस इट कैन गेट टू नो इन एडवांस एंड इट कैन फायर अ ऑबस्ट्रक्टिंग मिसाइल सो दैट द मिसाइल डज नॉट द मिसाइल फ्रॉम दी अदर साइड डज नॉट कॉट बिकॉज एनी डेंजर टू अस मान लो किसी दुश्मन देश से हमारे ऊपर मिसाइल उड़ के आ रही है तो हमारे हम भी उन्हें तुरंत पता लगा कि तुरंत एडवांस में ही वी कैन गेट टू नो एडवास इन द सेंस मिसाइल उड़ने से पहले ही पता चलेगा मिसाइल उड़ते ही हमें जानकारी मिल जाएगी एज सुन एज इट स्टार्ट कमिंग टू आर डायरेक्शन वी वील गेट टू नो बिकॉज आर अर्ली मॉर्निंग सिस्टम इज देयर एंड वी कैन थ्रो

एनी एग्जाम इन द स्टेट और नहीं है सो बेसिकली यही था त्रिनेत्र फॉर्मेशन विजय फॉर्मेशन रफाइल को भी रिप्रेजेंट किया गया रफाइल बेसिकली फ्रांस से आया है इट तो इज अ ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट बिल्ड बाय द डिस कंपनी ऑफ फ्रांस और अभी सितंबर 10, 2020 में ही इंडिया आया था हरियाणा के अंबाला एयरपेस पर लैंड किया इट केम टू इंडिया एंड लैंडेड ऑन द अंबाला एयर स्पेस ऑन सितंबर टेंथ टू बिल्ड बाई अ फ्रेंच कंपनी नोन एज द सॉल्ट एविएशन सो आर डन फॉर टूडे आई टुक समाइम द क्लास i mean it became a बिग class big class but in any case you got a lot of insights on the republic day parade of 2020 वी आर स्टॉपिंग हेयर फॉर टुडे थैंक यू thank you all for being part of this session guys it was a wonderful a truly wonderful and a patriotic experience to have taken this class in your batch in your uh, uh, i mean to give this lecture to you to deliver this lecture to you so thank you all for being part of this session i was i just want to uh, i mean ensure that everybody knows about this that the grade up has brought a republic day sale

यूट्यूब चैनल पर और हमारे ग्रेडअप ऐप पे आप ग्रेडअप ऐप पे जरूर विजिट करिएगा आपके लिए हमारे पास बहुत कुछ उपलब्ध है शुक्रिया आप सबका थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस सेशन गाइस गुड बाय गुड लक टेक केयर जय हिंद टू ऑल ऑफ़ योर डियर स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक बेस्ट विशेज टू योर ऑल इन योर फ्यूचर एंड एवर्स गुड लक बाय